आलम आ रहा जी। यहाँ आओ बेटी। बाबा आप ये रोज क्या करते हैं? इबादत करता हूँ बेटी। क्यों? तू रोज मुँह हाथ क्यों धोती है? इसलिए कि मुँह और हाथ साफ हो जाए। इसीलिए सब नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। जिस तरह पानी बदन पर जमा हुआ मैल साफ कर देता है, उसी तरह नमाज आदमी के अंदर का मैल दूर कर देती है। दिल रोशन हो जाता है, नियत पाक हो जाती है। तब तो मैं भी नमाज पढ़ा करूंगी बाबा, लेकिन रोजा नहीं रखूंगी। क्यों? रोजे में आपकी तरह मुझे भी फाका करना पड़ेगा। शरीर लड़की छोड़िए ना, बड़ा दर्द होता है। झूठ, तुझे दर्द वर्द कहीं नहीं होता। आपको क्या मालूम, कोई आपके कान खींचे तो मालूम पड़ेगा कि दर्द कैसे होता है। तो जब तक मुझे तकलीफ न हो, मैं तेरा दर्द नहीं समझ सकता। हरगिज नहीं। तो इसी बात से समझ ले बेटी, अगर तू रोजा नहीं रखेगी तो तुझे गरीबों की भूख प्यास का अंदाजा कैसे होगा? खुदा की दी हुई नेमतों की कदर कैसे मालूम होगी? जो लोग रोजा रखते हैं, दिन दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, वही समझ सकते हैं कि उन गरीबों पर क्या गुजरती होगी। जो दाने दाने को तरसते रहते हैं, जिनके बच्चे रोटी मांगते मांगते सो जाते हैं। तब तो रोजा जरूर रखना चाहिए बाबा। जरूर बेटी जरूर। सारे अच्छे लोग अपने अपने ढंग से खुदा को याद करते हैं, कोई कलीसा में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, मतलब सबका एक ही है, उस खुदा की याद जिसका सूरज हमें गर्मी और चांद हमें ठंडक पहुंचाता है, जिसने हमारे कदमों के नीचे जमीन का फर्श बिछाया और सर पे आसमान का शामियाना ताना है। बाबा हाँ बेटी, अब कहो क्या बात है? मेरी रोटी कहाँ है? वो मैंने एक भूखे को दे दी, अब मैं क्या खाऊं? अल्लाह और देगा बेटी। बेटी जो लोग खुद तकलीफ उठाकर दूसरों की मदद करते हैं, उनकी मदद खुदा करता है, और जो लोग सब कुछ होते हुए भी दूसरों की मदद नहीं करते, उनसे तो खुदा की रहमत भी मुंह फेर लेती है। तूने कारून की कहानी सुनी है बेटी? नहीं। अच्छा तो मैं तुझे सुनाता हूँ। किसी जमाने में कारून नाम का एक बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था। उसके खजाने की चाबियां 40 घोड़ों पर लादी जाती थी। अच्छा? हाँ, लेकिन बेटी वो था बड़ा कंजूस। अपनी दौलत में से ना किसी को खराज देता और ना किसी की मदद करता। एक दिन जमीन को बहुत गुस्सा आया और वो कारून को, उसकी हवेली को, उसकी सारी दौलत और जायदाद को, खजाने को निगल गई। कारून ने लाख तौबा की, सर पटका, माफी मांगी, लेकिन खुदा ने उसकी तौबा कबूल नहीं की। तौबा तो तौबा, ऐसे आदमियों की इबादत भी खुदा कबूल नहीं करता जो दूसरों के वक्त पर काम नहीं आते, जो गरीबों मोहताजों की मदद नहीं करते। तौबा तौबा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी बाबा। शाबाश, तू तो मेरी बहुत अच्छी बेटी है। और बाबा आप ये रोज कुरान शरीफ क्यों पढ़ते हैं? बेटी ये खुदा का कलाम है, इसमें इंसानों की हिदायत के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। इसके पढ़ने से हमें मालूम होता है कि हमारा पैदा करने वाला, हमें पालने वाला वो खुदा है, वो अल्लाह है, जिसने हर जमाने में, हर मुल्क में, जब जब इंसान भलाई के रास्तों से भटक गए तो उनको सीधा रास्ता बताने के लिए अपने नेक बंदे भेजे हैं, जिनको हम खुदा का रसूल कहते हैं। हमारे रसूल मकबूल ने भी कुरान शरीफ के जरिए हमें भलाई का रास्ता बताया है। इन सब बातों को जानने के लिए हम रोजाना कुरान शरीफ की तलावत करते हैं, ताकि हम अपने खुदा और रसूल के बताए हुए सबक को भूल ना जाएं। अगर हम सबक भूल जाएं, तो हमें भी सजा मिलेगी ना बाबा? हाँ बेटी। तब तो मैं भी कुरान शरीफ रोज पढ़ा करूंगी। शाबाश शाबाश शाबाश।
आलम आ रहा? जी बाबा। आओ बेटी, मैदान में जाके रमजान शरीफ का मुबारक चांद देखें। हाँ, तो आज मेरी बेटी ने अपने लिए दुआ में खुदा से क्या क्या मांगा? अपने लिए कुछ नहीं मांगा बाबा। क्यों? अपने लिए कुछ मांगना एक तरह की शिकायत है। उच्च हाल में रखे बंदों को कुछ रहना चाहिए। फिर किसके लिए दुआ की मेरी बेटी? इस जमीन की हरियाली के लिए बाबा। ये जगह इतनी उजाड़ क्यों है? कुओं में पानी नहीं, बाहों में फल फूल नहीं, खेतियां सूखी पड़ी हैं, दूर दूर कहीं पानी और सब्जी का पता नहीं। ये इस मुल्क की जालिम मलिका सूफिया के गुनाहों का असर है बेटी। इस वक्त कैसे आना हुआ काजी साहब? क्या मलिका सूफिया रमजान का मुबारक चांद देखने तशरीफ नहीं ले चली? आप ही देखा है ना, हम तो सिर्फ ईद का चांद देखना पसंद करते हैं। खुदा के कहर से डरिए मलिका सूफिया, आपकी वजह से कहीं लाखों बेगुनाह अजाब की लपेट में ना आ जाए। हम अजाब से ज्यादा रोजे से डरते हैं। ऐसी इबादत किस काम की कि हम महीने भर खुदा की नेमतों से महरूम रहें? अगर जिंदगी भर के लिए उसकी नेमतों से महरूम होना पड़े तो क्या कीजिएगा? खजाना भरा हो तो बड़े से बड़ी नेमत खरीदी जा सकती है। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा। खुदा नजरे बद से बचाए, ये चेहरा किस चांद से कम है। काजी साहब को क्या मालूम कि ये नजरे रमजान का चांद देखने के लिए नहीं, शाह मंसूर के दीदार को तरस रही है। शादी के फैसले के बारे में शाह मंसूर ने क्या सोचा? वजीर सल्तनत, हमने मलिका सूफिया के बारे में बहुत बुरी खबरें सुनी। हम हालात को मालूम किए बगैर, बल्कि अपनी आंखों से देखे बगैर शादी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। हुजूर, इसमें देखने भालने की क्या जरूरत है? गरीबों की तरह बादशाहों की एक बीवी तो होती नहीं, और अगर दो चार में से एक बुरी भी निकल आई तो क्या फर्क पड़ता है? आप शादी तो कर ही डालिए। हमको एक ही शादी करना है लोबना। बस एक ही? हाँ, एक ही। और मलिका के पैगाम का क्या जवाब दिया जाए? जहां पना कहला दो, यह इबादत का महीना है, शादी के बारे में हम ईद के महीने में गौर करेंगे। जो हुक्म हो आलम पना। बाबा वो देखिए चांद नजर आया है। कहाँ है बेटी? वो बादल का टुकड़ा है ना, उसके नीचे। हाँ हाँ बेटी, चांद नजर नहीं आ रहा है। वो रहा चांद। कहाँ? वो रहा। ठीक से देखिए, दरख्त के ऊपर, सितारे के नीचे। देखिए देखिए, देख तो रहा हूँ लेकिन नजर नहीं आ रहा है। बेटी, ये सहरी खा के पानी पी ले। मैंने रोजे की नियत बांध ली है बाबा। अल्लाह तेरा रोजा कबूल करे। कहाँ जा रहे हैं बाबा? बस्ती में जा रहा हूँ, तेरे लिए अफ्तारी का इंतजाम करने। लेकिन आप भी तो रोजे से हैं, इस धूप में कहाँ जाएंगे? बड़ी तकलीफ होगी बाबा। आज तेरा पहला रोजा है बेटी। अगर तू इस फकीर के झोंपड़े की बजाय महल में होती तो तेरी अफ्तारी के लिए दुनिया भर की नेमतें जमा की जाती, बड़ी धूम से तेरी रोजा कुशाई होती। मुझे दो चार खजूरों का इंतजाम तो कर लेने दे बेटी। फकीर की बेटी महलों में कैसे हो सकती है बाबा? खुदा की कुदरत से सब कुछ मुमकिन है बेटी।
कभी महल की रौनक झोंपड़ी को मिल जाती है और कभी झोंपड़ी के टिमटिमाते हुए चराग से महल जगमगा उठता है। खैर तू इन बातों को जाने दे, तू जा, मैं सूरज गुरूब होने से पहले लौटा हूं, जा बेटे। बहनों अभी मैं आपको रोजे की बरकतें पढ़कर सुना रही थी। रोजे के सिलसिले में आप लोग एक बात और याद रखें, जब हम रोजा रखते हैं तो हर मौसम में सुबह से लेकर सूरज के गुरूब होने तक भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं। आप लोग जानती हैं कि रोजे की हालत में हमें ऐसे बहुत से मौके मिलते हैं जब हम दूसरों की नजरों से बचकर कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन ऐसी हालत में भी जबकि हमें कोई नहीं देख सकता, हम गुनाहों से क्यों बचते हैं? सिर्फ इसलिए कि यह हमारा ईमान है कि कोई हमें देखे या ना देखे, खुदा देख रहा है और वो नहीं चाहता कि उसके बंदे छुप कर भी कोई गुनाह करें। तो बहनों ये रोज़ा हमें ऐसा ही जिम्मेदार, खुदा तरस और सच्चा इंसान बनने की तरबियत देता है। बेटी मेरी नज़र का क्या भरोसा, तू देख आसमान पे सुर्खी नजर आ रही है। नहीं बाबा, सूरज गुरूप हो गया। तो अफ्तार का वक्त हो गया, जा रोजा खोल ले। इस हाजतमंद का भी रोजा खुलवा दो बेटी। अल्लाह तेरा भला करे। अब तू कहां से रोजा खोलेगी बेटी? उसकी सबसे बड़ी नेमत नमक और पानी से। और जो न दे उसका भी भला। लो बाबा। अल्लाह तेरा भला करे बेटा। तूने आज भी अपनी अफ्तारी उसे दे दी बेटा? कुदरत दाने दाने पर सबका नाम लिख देती है, वो उसी के लिए थी। तो क्या कुदरत ने तेरा नाम सिर्फ नमक और पानी पे लिखा है? अगर वो चाहेगा तो इसी नमक और पानी को मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत बना देगा बाबा। तेरी कुदरत के सदके